मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के पावन पर्व पर देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज पूरा देश स्वातंत्र पर्व के साथ साथ जन्माष्टमी का पर्व भी मना रहा है। मैं मेरे सामने देख रहा हूं, बहुत बड़ी मात्रा में बाल कन्हैया भी यहां उपस्थित है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन से लेकर के चरखाधारी मोहन तक हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के हम सब धनी हैं। देश की आजादी के लिए, देश की आन बान शान के लिए, देश के गौरव के लिए जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, यातनाएं झेली हैं, बलिदान दिया है, त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा की है, ऐसे सभी महानुभावों को, माता बहनों को मैं लाल किले की प्राचीर से 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से शत शत नमन करता हूं, उनका आदर करता हूं। कभी कभार प्राकृतिक आपदाएं हम लोगों के बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। अच्छी वर्षा देश को फलने फूलने में बहुत ही योगदान देती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का नतीजा है कि कभी कभी ये प्राकृतिक आपदा संकट भी मोल लेते हैं। पिछले दिनों देश के कई भूभागों में इस प्राकृतिक आपदा का संकट आया। पिछले दिनों अस्पताल में हमारे मासूम बच्चों की मौत हुई। ये सारी संकट की घड़ी, दुख की घड़ी 125 करोड़ देशवासियों की संवेदनाएं इस आपत्ति में सबके साथ है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे संकट के समय पूर्ण संवेदनशीलता के साथ जन सामान्य की सुखाकारी के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ भी करने में हम कमी नहीं रहने देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये वर्ष आजाद भारत के लिए एक विशेष वर्ष है। अभी पिछले सप्ताह ही क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल हमने स्मरण किया। ये वर्ष है जब चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मना रहे हैं। ये वर्ष है जब साबरमती आश्रम की शताब्दी का भी वर्ष है। ये वर्ष है
जब लोकमान्य तिलक जी जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और जनचेतना जगाने के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा को प्रारंभ किया था, उसको भी 125वां वर्ष है। एक प्रकार से इतिहास की ऐसी तवारीख है जिसका स्मरण, जिसका बोधपाठ हमें देश के लिए कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देता है। हम आजादी का 70 वर्ष और 2022 में आजादी के 75 साल, 1942 से 1947 देश ने एक सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया, अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया और 5 साल के भीतर भीतर अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर के जाना पड़ा। हमें आजादी के 75 साल के 5 साल अभी हमारे पास है। हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति, हमारा सामूहिक पुरुषार्थ, हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता उन महान देश भक्तों को याद करते हुए, परिश्रम की पराकाष्ठा 2022 में आजादी के दीवानों के सपनों के अनुरूप भारत बनाने के लिए काम आ सकती है। और इसलिए न्यू इंडिया का एक संकल्प लेकर के हमें देश को आगे बढ़ाना है। 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प से, 125 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से, 125 करोड़ देशवासियों के त्याग और तपस्या से। और हम जानते हैं सामूहिकता की शक्ति क्या होती है। भगवान कृष्ण कितने ही सामर्थ्यवान थे, लेकिन जब ग्वाले अपनी लकड़ी लेकर के खड़े हो गए, एक सामूहिक शक्ति थी, गोवर्धन पर्वत उठा लिया। प्रभु रामचंद्र जी को लंका जाना था, वानर सेना के छोटे छोटे लोग लग गए, राम सेतु बन गया, राम जी लंका पहुंच गए। एक मोहनदास करमचंद गांधी थे, देश के कोटि कोटि लोग हाथ में तकली लेकर के, रुई लेकर के आजादी के ताने बाने बुनते थे, एक सामूहिक शक्ति की ताकत थी कि देश आजाद हो गया। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। अरे एक गिलहरी का उदाहरण हमें मालूम है, एक गिलहरी भी परिवर्तन की प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती है, वो कथा हम सब जानते हैं। और इसलिए 125 करोड़ देशवासियों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हर कोई अपनी जगह से 2022 के आजादी के बाद के 75 साल एक नया संकल्प, नया इंडिया, नई ऊर्जा, नया पुरुषार्थ, सामूहिक शक्ति के द्वारा हम देश में परिवर्तन ला सकते हैं। न्यू इंडिया जो सुरक्षित हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, न्यू इंडिया जहां भी हर किसी को समान अवसर उपलब्ध हो, न्यू इंडिया जहां आधुनिक विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारत का विश्व में दबदबा हो। स्वतंत्रता संग्राम हम लोगों की भावना से अधिक जुड़ा हुआ है। हम भलीभांति जानते हैं कि आजादी का जब आंदोलन चल रहा था, तब एक शिक्षक भी स्कूल में पढ़ाई कराता था, एक किसान खेत में काम करता था, एक मजदूर मजदूरी करता था, लेकिन जो भी जो करता था उसके हृदय के, उसके मन मंदिर में, उसके भाव जगत में यह भाव था कि मैं जो भी काम कर रहा हूं देश की आजादी के लिए कर रहा हूं। यह भाव एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ताकत होता है। परिवार में भी खाना रोज पकता है, व्यंजन सब प्रकार के बनते हैं, लेकिन जब वो व्यंजन भगवान के सामने भोग के रूप में चढ़ा दिए जाते हैं तो व्यंजन प्रसाद बन जाते हैं। हम परिश्रम करते हैं, लेकिन मां भारती की
भव्यता के लिए, दिव्यता के लिए, देशवासियों को गरीबी से मुक्त कराने के लिए, सामाजिक ताने बाने को सही ढंग से बुनने के लिए, हमारे हर कर्तव्य को राष्ट्रभाव से, राष्ट्रभक्ति से राष्ट्र को समर्पित करते हुए करते हैं, तो परिणाम की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। और इसलिए हम सब उस बात को लेकर के आगे चले। ये वर्ष 2018 का, आने वाला 18, 1 जनवरी, मैं इसे एक सामान्य 1 जनवरी नहीं मानता। जो लोग 21वीं शताब्दी में जन्म लिया है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण वर्ष है। 21वीं शताब्दी में जन्मे हुए नौजवानों के लिए ये वर्ष उनके जीवन का निर्णायक वर्ष है। वो 18 साल के जब जब होंगे, वो 21वीं सदी के भाग्य विधाता होने वाले। 21वीं सदी का भाग्य ये नौजवान बनाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है और अब 18 साल होने पर है। मैं इन सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि आइए, आप अब 18 साल की दहलीज पर आकर के खड़े हैं। देश का भाग्य निर्माण करने का आपको अवसर मिल रहा है। आप देश की विकास यात्रा में बहुत तेजी से भागीदार बनिए, देश आपको निमंत्रण देता है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण को ढेर सारे सवाल पूछे थे, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जैसा मन का भाव होता है वैसा ही कार्य पर परिणाम होता है। और उन्होंने कहा है, मनुष्य जिस बात पे विश्वास करता है वही उसको परिणाम भी नजर आता है, वही दिशा उसको नजर आती है। हमारे लिए भी अगर मन का विश्वास पक्का होगा, उज्जवल भारत के लिए हम संकल्पबद्ध होंगे, तो मैं नहीं मानता हूं कि जो पहले से हम बार बार निराशा से पले बड़े हैं, अब हमें आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। हमें निराशा को छोड़ना है। चलता है ये तो ठीक है, अरे चलने दो। मैं समझता हूं, चलता है का जमाना चला गया, अब तो आवाज यही उठे कि बदल सकता है। यही विश्वास हमारे भीतर होगा तो हम भी उस विश्वास के अनुसार साधक हो, साधन हो, सामर्थ्य हो, संसाधन हो, लेकिन जब ये त्याग और तपस्या से जुड़ जाते हैं, कुछ कर गुजरने के इरादे से बन जाते हैं, तो अपने आप बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। भाइयों बहनों, आजाद भारत में हर देशवासी के दिल में देश की रक्षा सुरक्षा एक बहुत स्वाभाविक बात है। हमारा देश, हमारी सेनाएं, हमारे वीर पुरुष, हर यूनिफॉर्म फोर्सेस कोई भी हो, सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी नहीं, सारे यूनिफॉर्म फोर्स, उन्होंने जब जब मौका आया है अपना कर्तव्य दिखाया, अपना सामर्थ्य दिखाया है। बलिदान की पराकाष्ठा करने में ये हमारे वीर कभी पीछे नहीं रहे हैं। चाहे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे इन्फिल्ट्रेटर्स हो, चाहे हमारे भीतर कठिनाइयां पैदा करने वाले तत्व हो, हमारे देश के इन यूनिफॉर्म में रहने वाले लोगों ने बलिदान की पराकाष्ठा की है। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दुनिया को हमारा लोहा मानना पड़ा, हमारे लोगों की ताकत को मानना पड़ा।
मेरे प्यारे देशवासियों, ये साफ है कि हम देश की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, आंतरिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। समंदर हो या सीमा हो, साइबर हो या स्पेस हो, हर प्रकार की सुरक्षा भारत अपने आप में सामर्थ्यवान है और देश के खिलाफ कुछ भी करने वालों के हौसले पस्त होने के लिए हम ताकतवर हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, गरीबों को लूट करके तिजोरी भरने वाले लोग आज भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं और उससे मेहनत कसर ईमानदार व्यक्ति का भरोसा बढ़ता है। ईमानदार क्यों लगता है कि हां अब मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा तो मेरी ईमानदारी का भी कोई मूल्य है। आज माहौल बना है कि ईमानदारी का महोत्सव मनाया जा रहा है, ईमानदारी का उत्सव मनाया जा रहा है और बेईमानी के लिए सर छुपाने की जगह नहीं बच रही है। ये काम एक नया भरोसा देता है। बेनामी संपत्ति रखने वाले कितने सालों तक कानून लटके पड़े थे, अभी तो कानून को हमने विधिवत रूप से व्यवस्था आगे बढ़ाई। इतने कम समय में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा बेनामी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली है। जब ये चीज होती है तब सामान्य मानवी के मन में एक विश्वास पैदा होता है, कि ये देश ईमानदार लोगों के लिए है। 30-40 वर्ष से हमारे सेना के लिए वन रैंक वन पेंशन मामला अटका हुआ था। जब वन रैंक वन पेंशन अटका हुआ मामला सरकार उसको पूर्ण करती है, हमारे फौजियों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने की दिशा में सही कदम उठाती है तो देश के लिए मर मिटने की उनकी ताकत और बढ़ जाती है। देश में अनेक राज्य हैं, केंद्र सरकार है, हमने देखा है जीएसटी के द्वारा देश ने कॉम्पिटेटिव कॉपरेटिव फेडरलिज्म को एक नई ताकत दी है, एक नया परिणाम नजर आया है। और जीएसटी जिस प्रकार से सफल हुआ है, कोटि कोटि मानव कलाक उसके पीछे लगे हैं। टेक्नोलॉजी में विश्व के लोगों को अजूबा लगता है कि इतने कम समय में इतने बड़े देश में जीएसटी का इस प्रकार से रोल आउट होना, ये अपने आप में हिंदुस्तान में कितना सामर्थ्य है, देश की हर पीढ़ी को एक विश्वास जगाने के लिए काम आता है। नई व्यवस्थाएं जन्म लेती है। आज दोगुनी रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, आज दोगुनी रफ्तार से रेलवे की पटरी बिछाई जा रही हैं, आज 14,000 से ज्यादा गांव जो आजादी के बाद भी अंधेरे में पड़े हुए थे वहां तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है और देश उजाले की तरफ बढ़ रहा है, वो हम साफ देख रहे हैं। गरीबों के 29 करोड़ गरीबों के जब बैंक अकाउंट खुलते हैं, किसानों के 9 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड निकलते हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं बहनों को लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिलकर के गैस का चूल्हा मिलता है, गरीब और दलित आदिवासी का एक हौसला बुलंद हो जाता है, गरीब व्यक्ति मुख्य धारा में जुड़ता है और देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। युवाओं को बिना गारंटी स्वरोजगार के लिए 8 करोड़ से ज्यादा लोन की स्वीकृति मिलती है, बैंक से मिलने वाले कर्ज में ब्याज दरों में कमी होती है, महंगाई पर नियंत्रण होता है। मध्यम वर्ग का मानवी अगर अपना घर बनाना चाहता है तो उसको घर बनाने के लिए कम ब्याज से पैसे मुहैया कराए जाते हैं, तब जाकर के देश के लिए करने के लिए देश आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ देश का जन सामान्य मानवी जुड़ता रहता है। वक्त बदल चुका है, आज सरकार जो कहती है
वो करने के लिए संकल्पबद्ध नजर आती है। चाहे हमने इंटरव्यू खत्म करने की बात की हो, चाहे हमने प्रोसेस को खत्म करने की बात की हो, अकेले लेबर फील्ड में सामान्य छोटा सा कारोबारी भी 50-60 फॉर्म भरने पड़ते थे, उसको हमने कम करके सिर्फ 5 फॉर्म में ले आया। कहने का तात्पर्य यह है, मैं ढेर सारे उदाहरण दे सकता हूं, कहने का तात्पर्य यह है कि गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, उस दिशा में बल देने का परिणाम है कि आज तेज गति आई है, निर्णयों में तेज गति आई है। और इसलिए 125 करोड़ देशवासी इस विश्वास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत की साख विश्व में बढ़ रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, मेरे देशवासी आपको जानकर के खुशी होगी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आज हम अकेले नहीं है, दुनिया के कई देश हमें सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। हवाला का कारोबार हो तो दुनिया हमें जानकारी दे रही है। आतंकवादियों की गतिविधि के संबंध में विश्व हमें जानकारियां दे रहा है। हम विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं विश्व के जो जो देश हमें इस काम में भली भांति मदद कर रहे हैं, भारत की साख का गौरव बढ़ा रहे हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। और यही वैश्विक हमारे संबंध भारत की शांति सुरक्षा में भी एक नया आयाम जोड़ रहे हैं, नया बल दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर की उन्नति, जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक के सपनों को पूरा करने का प्रयास, ये जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ हम देशवासियों का भी संकल्प है। फिर से एक बार इस स्वर्ग को हम अनुभव करें उस स्थिति में लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर जो कुछ भी होता है, बयानबाजी भी बहुत होती है, आक्षेप प्रत्याक्षेप भी बहुत होते हैं, हर कोई एक दूसरे को गाली देने में लगा रहता है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं साफ मानता हूं कि कश्मीर में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, अलगाववादी, मुट्ठी भर अलगाववादी, ये अलगाववादी जिस प्रकार के नए नए पैंतरे रचते रहते हैं, लेकिन उस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे दिमाग में विषय साफ है, न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है, समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। और 125 करोड़ देशवासी यही परंपरा से पला बढ़ा है, और इसलिए न गाली से न गोली से परिवर्तन होगा, गले लगा करके और उस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ कोई भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। आतंकवादियों को बार बार हमने कहा है कि आप मुख्यधारा में आइए, भारत के लोकतंत्र में आपकी बात करने के लिए पूरा अधिकार है, पूरी व्यवस्था है, और मुख्यधारा ही है जो हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा भर सकती है। और इसलिए, और मुझे खुशी है कि हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों से खास करके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में नौजवान वापस आए, सरेंडर किए, मुख्य धारा में आने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया है। सीमा की रक्षा के लिए हमारे जवान तैनात हैं। मुझे खुशी है कि आज भारत सरकार एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च कर रही है जो गैलेंट्री अवार्ड विजेता है, हमारे देश को गौरव दिलाने वाले लोग हैं, उनकी पूरी जानकारियों के साथ आज एक गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त करने वालों पर आधारित एक पोर्टल भी प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे देश की नई पीढ़ी को हमारे इन वीर बलिदानियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती है। टेक्नोलॉजी की मदद से देश में ईमानदारी को बल देने का हम लोगों का भरपूर प्रयास है। काले धन के खिलाफ
हमारी लड़ाई जारी रहेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को इंटरवीन करते हुए, आधार की व्यवस्था को जोड़ते हुए, ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में अनेक विध सफल प्रयास किए हैं। और दुनिया के अनेक लोग भारत के इस मॉडल की चर्चा भी करते हैं और उसका अध्ययन भी करते हैं। सरकार में भी खरीदी करने में अब छोटा सा व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ गांव का व्यक्ति भी सरकार को अपना माल सप्लाई कर सकता है, अपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है। उसको बड़े की जरूरत नहीं, बिचौलिए की जरूरत नहीं है। जेम नाम का एक पोर्टल बनाया है GEM, उसके द्वारा गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है। बहुत सारी मात्रा में ट्रांसपेरेंसी लाने में सफलता मिली है। भाइयों बहनों, सरकार की योजनाओं में रफ्तार बढ़ी है। जब सरकार किसी काम में विलंब हो जाता है तो सिर्फ वो प्रोजेक्ट का विलंब नहीं होता है, वो सिर्फ धन के खर्चे से जुड़ा विषय नहीं होता है। जब कोई भी काम अटक जाता है, रुक जाता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरे गरीब परिवारों को होता है, मेरे गरीब भाइयों बहनों को होता है। हम 9 महीने के भीतर भीतर मंगलयान पहुंच सकते हैं, यह हमारा सामर्थ्य है। 9 महीने के भीतर भीतर यहां से मंगलयान पहुंच सकते हैं। लेकिन मैंने एक बार सरकार के कामकाज का लेखा जोखा हर महीने लेता रहता हूं, एक बार ऐसी बात मेरे ध्यान में आई। 42 साल पुराना एक प्रोजेक्ट, 70-72 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रेल का, 42 साल से अटका पड़ा था, लटका पड़ा था। भाइयों बहनों, 9 महीने में मंगलयान पहुंचने का सामर्थ्य रखने वाला मेरा देश 42 साल तक 70-72 किलोमीटर एक रेल की पटरी न बिछा दे, तब गरीब के मन में सवाल उठता है कि मेरा देश का क्या होगा। और ऐसी चीजों पर हमने ध्यान दिया है। इन चीजों में बदलाव लाने के लिए हमने नई नई टेक्नोलॉजी, जियो टेक्नोलॉजी का विषय हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का विषय हो, इन सारी चीजों को जोड़ करके हमने उस में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा, एक समय था यूरिया के लिए राज्य और केंद्र के बीच में तनाव चलता था, केरोसिन के लिए राज्य और केंद्र के लिए तनाव चलता था। एक ऐसा माहौल था जैसे केंद्र बड़ा भाई है, राज्य छोटा भाई है। हमने पहले दिन से दिशा में काम किया, क्योंकि लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि देश के विकास में राज्यों की कितनी अहमियत है, मुख्यमंत्रियों का कितना महत्व है, राज्यों की सरकारों का कितना महत्व है, इसको मैं भली भांति समझता हूं। और इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और अब कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उस पर हम बल दिया है। और आपने देखा होगा, आज मिलकर के सारे निर्णय हम मिलकर के कर रहे हैं। आपको याद होगा, इसी लाल किले की प्राचीर से एक बार देश के राज्यों के बिजली के कंपनियों की दुर्दशा की चर्चा एक प्रधानमंत्री ने की थी, लाल किले पर से चिंता व्यक्त करनी पड़ी थी। आज हमने राज्यों के साथ लेकर के उदय योजना के द्वारा राज्यों को ताकत दे करके उस बिजली के कारखानों के कारोबार में जो समस्याएं थी उसका समाधान का काम मिलजुल करके किया। फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा सबूत है। GST के साथ साथ, चाहे स्मार्ट सिटी का निर्माण की बात हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे टॉयलेट की चर्चा हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, ये सारे विषय ऐसे हैं कि हमारे देश के सभी राज्य कंधे से कंधा मिला करके आज भारत के साथ, भारत की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर राज्य के साथ चलने में बहुत बड़ी सफल हो रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, न्यू इंडिया हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लोकतंत्र। लेकिन हम जानते हैं कि हमने लोकतंत्र को मत पत्र तक सीमित कर दिया है। लोकतंत्र मत पत्र तक सीमित नहीं हो सकता है, और इसलिए हम न्यू इंडिया में उस लोकतंत्र का बल देना चाहते हैं जिसमें तंत्र से लोक नहीं लेकिन लोगों से तंत्र चले। ऐसा लोकतंत्र न्यू इंडिया की पहचान बने, उस दिशा में हम जाना चाहते हैं।
लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आजाद भारत में हम सबका मंत्र होना चाहिए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हम सबका दायित्व होना चाहिए। नागरिक ने अपनी जिम्मेवारियां निभानी चाहिए, सरकारों ने अपनी जिम्मेवारियां निभानी चाहिए। स्वराज्य से सुराज्य की ओर जब चलना है, देशवासी पीछे नहीं रहते। जब मैंने गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए कहा, देश आगे आया। स्वच्छता की बात कही, आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में कोई न कोई स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ा रहा है। जब नोटबंदी की बात आई, दुनिया को आश्चर्य हुआ था, यहां तक लोग कह रहे थे अब मोदी गया, लेकिन नोटबंदी में 125 करोड़ देशवासियों ने जिस धैर्य को दिखाया, जिस विश्वास को बताया, और उसी का परिणाम है कि आज भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल लगाने में हम एक के बाद कदम उठाने में सफल हो रहे हैं। हमारे देश के लिए इस नई लोक भागीदारी की परंपरा, जन भागीदारी से ही देश को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास, यही हम लोगों के लिए रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का मंत्र दिया था। हमारे देश के किसान ने कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं है। रिकॉर्ड फसल उत्पादन आज हमारा किसान करके दे रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के बीच में नई नई सिद्धियां वो हासिल कर रहा है। दाल का उत्पादन रिकॉर्ड हुआ है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे किसान भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में कभी भी सरकार में दाल खरीदने की परंपरा ही नहीं थी, और कभी एक आध बार किया हो तो हजारों में ही, हजारों टन के हिसाब से होता था। इस बार जब मेरे देश के किसानों ने दाल उत्पादन करके गरीब को पौष्टिक आहार का काम किया, तो 16 लाख टन दाल सरकार ने खरीदने का ऐतिहासिक काम करके इस काम को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसा सुरक्षा कवच मेरे किसान भाइयों से को मिला है। 3 साल पहले सिर्फ 3.25 करोड़ किसान इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहले दूसरे नाम से चलती थी, उसका लाभ लेते थे। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इतने कम समय में 125 करोड़ नए किसान इसके साथ जुड़ गए हैं, और करीब करीब ये संख्या आगे चल करके 6.25 करोड़ पर पहुंची है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान को अगर पानी मिले तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है, और इसलिए किसान को पानी पहुंचाने के लिए मैंने पिछली बार लाल किले से कहा था, उन योजनाओं में से 21 योजनाएं हम पूर्ण कर चुके हैं और बाकी 50 योजनाएं आने वाले कुछ समय में पूर्ण हो जाएगी, और टोटल 99 योजनाओं का मैंने संकल्प लिया है 2019 के पहले उन 99 बड़ी बड़ी योजनाएं परिपूर्ण करके किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम हम पूर्ण कर देंगे। और किसान को बीज से बाजार तक जब तक हम व्यवस्था नहीं देते हैं, हमारे किसान के भाग्य को हम नहीं बदल सकते, और इसलिए उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए सप्लाई चेन चाहिए। हर साल लाखों करोड़ रुपयों का हमारी सब्जी, हमारे फल, हमारी फसल बर्बाद हो जाती है, और इसलिए उसको बदलने के लिए एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया ताकि फूड प्रोसेसिंग के अंदर दुनिया हमारे साथ जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बढ़ावा दिया, और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लागू की है जिसके कारण उन व्यवस्थाओं को निर्माण किया जाएगा जो बीज से बाजार तक किसान को हैंड होल्डिंग करेंगे, व्यवस्थाएं विकसित करेंगे, और हमारे करोड़ों किसानों की जिंदगी में एक नया बदलाव लाने में हम सफल होंगे। बदलती डिमांड और टेक्नोलॉजी के कारण हमारे देश में नेचर ऑफ जॉब में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है।
रोजगार से जुड़ी योजनाओं में, ट्रेनिंग के तरीके में 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार मानव संसाधन के विकास के लिए भारत सरकार ने अनेक नई योजनाएं हाथ में ली। नौजवानों को बिना गारंटी बैंकों से पैसा मिले इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया है। हमारा नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, वो रोजगार पाने वाला नहीं रोजगार देने वाला बने। और पिछले 3 साल में देखा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण करोड़ों नौजवान अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, एक नौजवान एक या दो तीन और लोगों को भी रोजगार दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमने बंधनों से मुक्ति देने का एक बड़ा अहम कदम उठाया है। 20 यूनिवर्सिटियों का आह्वान किया है कि आप अपने भाग्य का फैसला कीजिए, सरकार कहीं बीच में नहीं आएगी। ऊपर से सरकार 1000 करोड़ रुपए तक की मदद करने के लिए भी तैयार है, आह्वान किया है। मुझे विश्वास है मेरे देश की शिक्षा संस्थाओं में जरूर आगे आएंगे, इसको सफल करेंगे। पिछले 3 वर्ष में 6 IIT, 7 नए IIM, 8 नए IIT, IIIT इसका निर्माण किया है और शिक्षा को नौकरी के अवसरों के साथ जोड़ने का भी इस काम हमने किया है। मेरी माताएं बहनें आज बहुत बड़ी मात्रा में परिवार में महिलाएं भी रोजगार के लिए जाती है और इसलिए रात्रि को भी उनको रोजगार का अवसर मिले, फैक्ट्रियों में काम करने का अवसर मिले, इसलिए लेबर लॉज में परिवर्तन करने का बहुत बड़ा अहम कदम उठाया। हमारी माताएं बहनें परिवार की भी एक अहम इकाई है। हमारा भविष्य निर्माण करने के लिए हमारी माताओं बहनों का योगदान बहुत बड़ा होता है और इसलिए मैटरनिटी लीव जो 12 सप्ताह की थी वो 26 सप्ताह उसको आय चालू रहेगी, इस प्रकार से देने का काम किया है। मैं आज हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण के काम के संबंध में मैं खास करके मैं उन बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं जो 3 तलाक के कारण बहुत ही दुर्दैव जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुई, कोई आश्रय नहीं बचा है। और ऐसी पीड़ित 3 तलाक से पीड़ित बहनों ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया, देश के बुद्धिजीवी वर्ग को हिला दिया, देश के मीडिया ने भी उनकी मदद की, पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। इस आंदोलन को चलाने वाली उस मेरी बहनों को जो 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि माताओं बहनों को अधिकार दिलाने में उनकी इस लड़त में हिंदुस्तान उनकी पूरी मदद करेगा, हिंदुस्तान पूरी मदद करेगा और वीमेन एम्पावरमेंट के इस महत्वपूर्ण कदम में वो सफल होकर रहेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी आस्था के नाम पर धैर्य के भाव में कुछ लोग ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो समाज के ताने बाने को बिखेर देती है। देश शांति एकता और सद्भावना से चलता है। जातिवाद का जहर, संप्रदायवाद का जहर देश का कभी भला नहीं कर सकता है। ये तो गांधी की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, सबको साथ लेकर के चलना ये इस देश की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, हमें इसको सफलता से आगे बढ़ाना है। और इसलिए आस्था के नाम पर हिंसा को बल नहीं दिया जा सकता है। अस्पताल में कोई पेशेंट के साथ कुछ हो जाए, अस्पताल जला दिया जाए, अकस्मात हो जाए गाड़ियां जला दिया जाए, आंदोलन करे सरकारी संपत्ति को जला दिया जाए, आजाद हिंदुस्तान के लिए ये किसका है? हम 125 करोड़ देशवासियों की संपत्ति है। जब ये सांस्कृतिक विरासत किसी है, ये हम 125 करोड़ देशवासियों की सांस्कृतिक विरासत है। ये आस्था किसकी है? हम 125 करोड़ देशवासियों की आस्था है। और इसलिए आस्था के नाम पर हिंसा का रास्ता इस देश में कभी भी चल नहीं सकता, यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, उस समय भारत छोड़ो का नारा था, आज नारा है भारत जोड़ो। व्यक्ति व्यक्ति को हमने साथ लेना है, जन जन को साथ लेना है, समाज के हर तबके को साथ लेना है
और उसी को लेकर के हमें देश को आगे बढ़ाना है। समृद्ध भारत बनाने के लिए हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए, संतुलित विकास चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तब जाकर के हमारे सपनों के भारत को हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। भाइयों बहनों, अनगिनत निर्णय हमने 3 साल में किए हैं। कुछ चीजों को नोटिस किया गया है, कुछ चीजें शायद नोटिस में नहीं आई है, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, जब आप इतना बड़ा बदलाव करते हैं तो रुकावटें आती हैं, गति रुक जाती है, लेकिन ये सरकार की कार्यशैली देखिए, अगर ट्रेन भी किसी रेलवे स्टेशन से पास गुजरती है, जब ट्रैक बदलती है तो 60 से चलने वाली स्पीड को उसको 30 के स्पीड में लाना पड़ता है। ट्रैक बदलने पर ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। हमने पूरे देश को एक नए ट्रैक पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने उसकी स्पीड कम न होने नहीं दी है, हमने उसकी गति को बरकरार रखा है। चाहे GST लाए हो, कोई भी कानून लाए हो, कोई भी नई व्यवस्था लाए हो, हम उसको करने में सफल हुए हैं और हम आगे भी इसको हम करेंगे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दिया है, अभूतपूर्व खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के दिए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो, छोटे शहर में चाहे एयरपोर्ट बनाना हो, चाहे वाटरवे की व्यवस्था करनी हो, चाहे रोडवेज की व्यवस्था करनी हो, चाहे गैस ग्रिड बनानी हो, चाहे पानी की ग्रिड करानी हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क करना हो, हर प्रकार के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बल दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में भारत को आगे बढ़ाने का एक सबसे ऊर्जावान क्षेत्र है हमारा पूर्वी हिंदुस्तान। इतना पोटेंशियल है, सामर्थ्यवान मानव संसाधन है, अपार प्राकृतिक संपदा है, परिश्रम के धनी हैं, संकल्प कर करके जिंदगी बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। हमारा पूरा ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, ऐसे सामर्थ्यवान हमारे राज्य हैं जहां प्राकृतिक संपदा भरपूर है, उसको आगे बढ़ा करके देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में हम प्रयत्नरत हैं। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार मुक्त भारत एक बड़ा अहम काम, उसको हम बल देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद पहला काम किया था SIT बनाने का। आज 3 साल के बाद मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, गर्व से बताना चाहता हूं, 3 साल के भीतर भीतर करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा काला धन को हमने खोल दिया है, उसको पकड़ा है और उसको सरेंडर करने के लिए मजबूर किया है। उसके बाद हमने नोटबंदी का फैसला किया। नोटबंदी के द्वारा हमने अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। जो काला धन छिपा हुआ था उसको मुख्य धारा में आना पड़ा, और आपने देखा होगा कि हम कभी 7 दिन 10 दिन 15 दिन बढ़ाते जाते थे, कभी पेट्रोल पंप पर, दवाई दुकान पर, कभी रेलवे स्टेशन पर पुरानी नोट लेने का जारी रखते थे, क्योंकि हमारा प्रयास था कि एक बार जो भी धन है वो बैंकों में एक फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए, और उस काम को हमने सफलतापूर्वक पार किया। और इसका कारण यह हुआ है, अभी जो रिसर्च हुआ है, करीब 3 लाख करोड़ रुपया ये सरकार ने रिसर्च नहीं किया है, बाहर के एक्सपर्ट ने किया है, नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया जो अतिरिक्त जो कभी बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आता था वो आया है। बैंकों में जमा की गई राशि में 1.25 लाख करोड़ से अधिक राशि शक के घेरे में है। कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा काला धन उसको बैंकों तक पहुंचाना पड़ा है, और अब व्यवस्था के साथ उनको अपना जवाब देने के लिए मजबूर हुए हैं। नए काले धन पर भी बहुत बड़ा रुकावट आ गई है इस वर्ष। इसका परिणाम देखिए, 1 अप्रैल से 5 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले नए
व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 56 लाख, पिछले साल उसी अवधि में ये संख्या सिर्फ 22 लाख थी, डबल से भी ज्यादा। ये कारण काले धन के खिलाफ हमारी लड़ाई का परिणाम है। 18 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को पहचान लिया गया है जिनकी आय उनके हिसाब किताब से कुछ ज्यादा है, बेशुमार ज्यादा है, और इसलिए ये अंतर का उनको जवाब देना पड़ रहा है। 4.5 लाख लोग इसमें से अब मैदान में आए हैं, अपनी गलती स्वीकार करके रास्ते पर आने का प्रयास कर रहे हैं। 1 लाख लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में इनकम टैक्स का नाम भी नहीं सुना था, ना इनकम टैक्स किया था, न कभी उस पर उन्होंने सोचा था, लेकिन आज उनको वो करना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश में अगर 2-4 कंपनियां भी कहीं बंद हो जाए तो 2400 घंटे उस पर चर्चाएं होती हैं, डिबेट होती हैं, अर्थनीति खत्म हो गई, ये हो गया, न जाने क्या क्या होता है। आपको जानकर के हैरानी होगी, काले धन के कारोबारी शेल कंपनियां चलाते थे और नोटबंदी के बाद जब डाटा माइनिंग किया गया, 3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ शेल कंपनियां हैं, हवालों का कारोबार करती थी। 3 लाख, कोई कल्पना कर सकता है? और उसमें से 2.25 लाख का रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल कर दिया है। 5 कंपनियां बंद हो जाए तो हिंदुस्तान में तूफान मच जाता है। 2.25 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, देश का माल लूटने वालों को जवाब देना पड़ेगा, ये काम हमने करके दिया। आप हैरानी होगी, कुछ तो सेल कंपनियां ऐसी हैं जो एक ही एड्रेस पर 400-400 कंपनियां चल रही थी। भाइयों बहनों, 400-400 कंपनियां चल रही थी, कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, सारी मिली भगत चल रही थी। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैंने भ्रष्टाचार काले धन के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी, देश की भलाई के लिए, देश के गरीबों के कल्याण के लिए, देश के नौजवानों के भविष्य को बनाने के लिए। भाइयों बहनों, एक के बाद एक कदम, और मुझे विश्वास है जीएसटी के बाद उसमें और बढ़ोतरी होने वाली है और ट्रांसपेरेंसी आने वाली है। अकेले ट्रांसपोर्टेशन, हमारा ट्रक वाला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, नो ये जीएसटी के बाद 30% उसका समय बच गया है। चेक पोस्ट खत्म होने के कारण हजारों करोड़ रुपयों की तो बचत हुई है, सबसे बड़ी बचत समय की हुई है। एक प्रकार से उसकी 30% एफिशिएंसी बढ़ रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट जगत में 30% एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या होता है? एक जीएसटी के कारण इतना बड़ा परिवर्तन आया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज नोटबंदी के कारण बैंकों के पास धन आया है, बैंक अपना ब्याज दर कम कर रही है, मुद्रा के द्वारा सामान्य मानवी को बैंक से पैसा मिल रहा है, सामान्य मानवी को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अवसर मिल रहा है। गरीब हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, घर बनाना चाहता है तो बैंक उसको मदद करने के लिए आगे आ रही है, कम ब्याज के दर से आगे आ रही है। ये सारा देश के अर्थतंत्र को गति देने की दिशा में काम कर रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब यह वक्त बदल चुका है, हम 21वीं सदी में हैं, विश्व का सबसे बड़ा युवा वर्ग हमारे देश में है, दुनिया में हमारी पहचान आईटी के द्वारा है, डिजिटल वर्ल्ड के द्वारा है। क्या अब भी हम उसी पुरानी सोच में रहेंगे? अरे, एक जमाने में चमड़े के सिक्के चलते थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए, कोई पूछने वाला नहीं रहा। आज जो कागज की नोट है, समय आते रहते वो सारा का सारा डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट होने वाला है। हम नेतृत्व करें, हम जिम्मेवारी लें, हम डिजिटल ट्रांजेक्शन की जाएं, हम भीम ऐप को अपना आर्थिक कारोबार का हिस्सा बनाएं, हम प्रीपेड के द्वारा भी काम करें। और मुझे खुशी है कि इस लेन देन डिजिटल लेन देन बढ़ी है, पिछले साल के मुकाबले में 34%
का उसमें इजाफा हुआ है और प्रीपेड भुगतान में करीब 44% का, और इसलिए कम कैश वाली अर्थव्यवस्था उसको लेकर के हमने आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के जेब में पैसे बचाती हैं। अगर आप एलईडी बल्ब लगाते हैं तो साल भर का 1000, 2000, 5000 रुपये आपका बचने वाला है। अगर आप स्वच्छ भारत में सफल होते हैं तो गरीब का 7000 रुपया दवाई का खर्चा बंद होता है। महंगाई पर नियंत्रण आपका बढ़ते हुए खर्च को रोकने में सफल हुआ है, एक प्रकार से आपकी बचत है। जन औषधि केंद्रों के द्वारा सस्ती दवाई की दुकान गरीब के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बनी है। हमारे यहाँ ऑपरेशन के पीछे, स्टैंड के पीछे जो खर्च होते थे, आने वाले दिनों में नी के ऑपरेशन के लिए भी जो खर्च किया जाए, हमारी कोशिश है कि गरीब और मध्यम वर्ग के मानवी के लिए ये खर्च कम हो, और उसके लिए हम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। पहले हमारे देश में राज्यों के मुख्यालय में ही डायलिसिस हुआ करते थे, हमने तय किया हिंदुस्तान के जिला केंद्रों तक डायलिसिस पहुंचाएंगे, करीब 350-400 जिलों तक पहुंचा दिया, और मुफ्त में डायलिसिस करके गरीब की जिंदगी बचाने का काम आज हम कर रहे हैं। आज देश गर्व कर सकता है कि हमने विश्व के सामने अपनी व्यवस्थाओं को विकसित किया है। जीपीएस सिस्टम के द्वारा नेविगेशन की व्यवस्था आज करने में हम सफल हुए हैं। हमने सार्क सैटेलाइट के द्वारा हमने पड़ोसी देशों के साथ मदद करने का सफल अभियान किया है। हम तेजस हवाई जहाज के द्वारा आज दुनिया के अंदर अपनी अहमियत पहुंचा रहे हैं। भीम आधार ऐप दुनिया के अंदर डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए एक अजूबा बना हुआ है। रुपये कार्ड, हिंदुस्तान में रुपये कार्ड करोड़ों की तादाद में है, और अगर वो ऑपरेशनल हो जाएगा, गरीबों के जेब में है, तो दुनिया का ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा आपसे यही आग्रह है कि हम न्यू इंडिया का संकल्प लेकर के आगे बढ़े, समय के रहते हुए करें। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, अनियत कालाहा प्रवृत्तयो विप्लवंते, प्रवृत्तयो विप्लवंते। सही समय पर अगर कोई कार्य पूरा नहीं किया गया तो फिर इच्छित परिणाम कभी नहीं मिलते हैं। और इसलिए टीम इंडिया के लिए, 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया के लिए आज हमें संकल्प लेना होगा 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का। और ये काम हम खुद करेंगे, कोई करेगा ऐसा नहीं, हम खुद करेंगे, देश के लिए करेंगे, पहले से अच्छा करेंगे, पहले से ज्यादा करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे। 2022 में भव्य दिव्य हिंदुस्तान देखने के लिए करेंगे, और इसलिए हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां गरीब के पास पक्का घर हो, बिजली हो, पानी हो। हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां देश का किसान चिंता में नहीं, चैन से सोएगा। आज वो जितना कमा रहा है उससे 2022 तक दो गुना कमाएगा। हम सब मिलकर के एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहां युवाओं, महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए भरपूर अवसर उपलब्ध होंगे। हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएंगे जो आतंकवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद से मुक्त होगा। हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से कोई समझौता नहीं होगा। हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएंगे जो स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा और स्वराज के सपने को पूरा करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब मिलकर के हम इस विकास की दौड़ में आगे चलने का प्रयास करेंगे। आज आजादी के 70 साल के बाद, आजादी के 75 साल की प्रतीक्षा के बीच, 5 साल के महत्वपूर्ण कार्यकाल में एक दिव्य भव्य भारत के सपने को लेकर के हम सभी देशवासी चलें, इसी एक भाव के साथ मैं फिर एक बार आजादी के दीवानों को प्रणाम करता हूं।
सवा सौ करोड़ देशवासियों के नए विश्वास नए उमंग को नमन करता हूं और नए संकल्प के साथ आगे चलने के लिए टीम इंडिया को आह्वान करता हूं। इसी भावना के साथ आप सबको हृदय से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जन गण मन अधिनायक।